नमस्कार, मेरा नाम कविता माथुर है और मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में टेक्सटाइल डिजाइनिंग की लेक्चरर हूँ। मैं आज आपको फंक्शंस ऑफ लूम के बारे में बताऊंगी। कपड़ा बनाने के दौरान लूम पर कई क्रियाएं एक साथ होती हैं और उन क्रियाओं को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं। प्राइमरी मोशंस, जिन्हें हम प्राथमिक कार्य कहते हैं, सेकेंडरी मोशन जो द्वितीय कार्य कहलाते हैं, और ऑक्सिलरी मोशंस जो कि सहायक कार्य कहलाते हैं। प्राइमरी मोशंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है शेडिंग की क्रिया। लूम पर वार्प शीट को दो भागों में बांटना शेडिंग कहलाता है। इसके लिए कुछ वार्प धागों को एक हार्नेस ऊपर उठाता है और बाकी वार्प धागे नीचे रहते हैं। इससे एक गलियारा सा बन जाता है, वो शेड कहलाता है। सेकेंड, इसमें जो फंक्शन होता है लूम का, वो है फिटिंग। तैयार शेड में वेफ्ट धागे को इंसर्ट करना फिटिंग की क्रिया कहलाती है और ये क्रिया शटल द्वारा की जाती है। शटल के अंदर एक बॉबिन होती है जिसपे वेफ्ट धागा लिपटा रहता है और ये शटल केज के छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है और शेड के अंदर एक साइड से दूसरी साइड तक शटल मूव करती है, जिससे उसमें पिक इंसर्ट हो जाता है और वो पिक इंसर्ट होना पिकिंग की क्रिया कहलाती है। जब शेड के अंदर पिक इंसर्ट हो जाता है तो जो वार्प धागे ऊपर होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो नीचे होते हैं वो पुनः ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद तीसरा कार्य इसमें जो होता है वो है बी टर्न मोशन। जैसे ही पिक इंसर्ट होता है, लूम पर लगाई कंघी के आकृति का पार्ट जो कि रीड कहलाता है, रीड उस पिक को बीट करने के लिए आता है। बीटर मोशन इसलिए जरूरी है ताकि कपड़ा सही बुन सके, नहीं तो कपड़े में ढीला बन रह जाएगा और कपड़ा का टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो ये प्राइमरी मोशंस होते हैं, तीनों एक साथ चलते हैं। शेड बनते ही पिक इंसर्ट होता है और पिक इंसर्ट होते ही रीड उस पिक को बीट कर देती है। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी मोशंस। सेकेंडरी मोशन दो होते हैं, टेक अप मोशन एंड लेट ऑफ मोशन। प्राइमरी मोशन के अंतर्गत जैसे ही वीट पिक को बीट करता है, वैसे ही क्लॉथ बीम पल्लिए से घूम के उस बुने हुए कपड़े को अपने ऊपर लपेट लेती है और जिस रेशो में क्लॉथ बीम घूमती है उसी रेशो में रिवर्स बीम घूमकर और वार्प धागे को छोड़ देती है, वो कहलाता है लेट ऑफ मोशन। इन दोनों क्रियाओं का एक साथ होना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि वार्प शीट का तनाव एक समान बना रहे। इसके बाद आते हैं ऑक्सिलरी मोशन जो कि सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। फर्स्ट इसमें है वार्प स्टॉप मोशन, सेकंड है वेफ्ट स्टॉप मोशन और थर्ड है लूज रीड मोशन। कपड़ा बुनते समय अगर लूम पर वार्प धागा टूट जाता है तो उसका पता हमें तब चल पाएगा जबकि थोड़ा सा कपड़ा बुन जाएगा, इससे कपड़े में डिफेक्ट आ जाएगा। तो लूम पर ऐसी लूम पर वार्प धागा टूटते ही और लूम रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो उसको वार्प स्टॉप मोशन कहते हैं। अगर पिक इंसर्ट करते समय शटल शेड के अंदर रुक जाता है किसी कारण से या वेफ्ट धागा उसमें ख़त्म हो जाता है तो लूम उस समय स्टॉप हो जाता है, तो वो कहलाता है वेफ्ट स्टॉप मोशन। और तीसरा है लूज रीड मोशन। लूज रीड मोशन तब होता है जब किसी कारण से शटल शेड के अंदर रुक जाती है और रीड उसको बीट करने आ जाती है, तो
इस केस में अगर रीड बीट करती है तो शटल के डैमेज होने के या रीड के डैमेज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो अगर शटल शेड के बीच में रुक जाती है तो रीड जो कि बीट करने आ रही है वो लूज होकर पुनः अपने स्थान पर लौट जाती है, तो उसे लूज रीड मोशन कहते हैं। ये समझ